जिंदगी में अगर कुछ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो है खुद की जिंदगी। यही उनकी आखिरी फिल्म का डायलॉग है। जैसा कि हम सब जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत जो डिप्रेशन और मानसिक तनाव की वजह से अपने जिंदगी की जंग हार गए, वही सुशांत सिंह जिन्होंने हमें सिखाया था कि कभी हार मत मानो, और आज वे खुद हार गए। इससे एक बात प्रूफ हो जाती है कि पैसे फेम सक्सेस से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक ऐसा दोस्त अपनी जिंदगी में जरूर रखो जिससे आप सब कुछ शेयर कर सको, ताकि जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ वह आपके साथ नहीं हो। मैं उनके लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन आप सबको उनकी कुछ यादगार फिल्मों के बारे में बताऊंगा जिन्हें हम शायद ही भूल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में नंबर 6 पर आती है 2013 में रिलीज हुई फिल्म काई पोछे, जो सुशांत सिंह की पहली फिल्म है। फिल्म की कहानी इस प्रकार है कि तीन दोस्त जो नए क्रिकेटरों को ट्रेनिंग देने के लिए एक अकेडमी शुरू करते हैं, लेकिन अकेडमी शुरू करने के लिए उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे धर्म, राजनीति, जाति और शहर की अशांति। तो क्या वह तीनों दोस्त अकेडमी शुरू कर पाएंगे या फिर उनका सपना टूट जाएगा? जानने के लिए देखिए काई पोछे, जो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। नंबर 5 पर आती है केदारनाथ, जो सत्य घटना से प्रेरित है। फिल्म में दिखाया गया है कि एक मुस्लिम कुली जिसे एक हिंदू पुजारी की बेटी से प्यार हो जाता है, लेकिन उनका प्यार गलत फहमी और जातिवाद का शिकार हो जाता है। इसी बीच वहां प्रकृति का ऐसा कहर बरसता है कि पूरा शहर तबाह हो जाता है। तो क्या वह दोनों एक हो पाएंगे? जानने के लिए देखनी पड़ेगी केदारनाथ, जो आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। नंबर 4 पर आती है 2019 में रिलीज हुई फिल्म सोन चिड़िया, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही अंडररेटेड मूवी है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चला कब रिलीज हुई और ना ही लोगों तक पहुंच पाई। अगर बात करें कहानी की, तो कहानी आधारित है चंबल की घाटियों की, जहां डाकू मान सिंह का राज होता है, लेकिन जब उनके सरदार के मारे जाने के बाद वो अलग हो जाते हैं और वो भागने का फैसला करते हैं। तो क्या वह डाकुओं से बच पाएंगे या फिर उनकी गोलियों का शिकार बन जाएंगे? जानने के लिए देखिए सोन चिड़िया, जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। नंबर 3 पर आती है 2015 में रिलीज हुई फिल्म डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, जो कि एक मास्टरपीस था। फिल्म की स्टोरी बेस्ड है कि चाइना से कुछ लोग आए हैं जो कोलकाता में अपने ड्रग सप्लाई का एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, जिसके लिए वे लोगों को अपने साथ जोड़ते रहते हैं, और जिसने भी उनके खिलाफ जाने की कोशिश की उनको मौत का मुंह देखना पड़ता है। और जब वो चाइना वाले किसी के बाप को मार देते हैं, और जब उसका बेटा सुशांत सिंह को हायर करता है कि ये पता लगाने के लिए कि उसके बाप को किसने मारा है, तो आखिर क्या सुशांत सिंह राजपूत उन ड्रग माफिया का भांडा फोड़ पाएंगे या नहीं? जवाब मिलेंगे डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और नंबर 2 पर आती है 2019 में रिलीज हुई फिल्म छिछोरे, जिसकी कहानी कुछ ऐसे लूजरों की है जो हमेशा हार जाते हैं। यकीन मानिए, इस फिल्म को आप अपनी लाइफ से जोड़ सकते हैं। फिल्म का एक एक सीन आपको रियल लगेगा, और फिल्म में दूसरी तरफ दिखाया गया है कि एक बार फेल होने से आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं होता। आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसको देखने के बाद आपको अपने कॉलेज के दिनों की याद आ जाएगी, और ये फिल्म भी आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। और आखिर में नंबर 1 पर आती है MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, जो 2016 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक है। यह एक ऐसी फिल्म थी जिसको देखने के लिए हम हॉल के अंदर तो धोनी के फैन बनकर गए थे, लेकिन जब लौटे तो सुशांत सिंह राजपूत के फैन बनकर लौटे, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया। और यह फिल्म आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, जाइए और देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।